हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। फिर से मैं हाजिर हूँ एक नए क्वेश्चन के साथ, ज्योमेट्री का, और एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। ठीक है, तो देखिए ये क्वेश्चन हमारा फिर से एसएससी सीजीएल मेंस में आ चुका है। तो देखिए इस क्वेश्चन में जो कॉन्सेप्ट लगेगा वो भी मैं बताऊंगा, और ये कितना ईजी क्वेश्चन है वो भी आपको मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा, क्योंकि इतने बड़े क्वेश्चन को आप लोग सिर्फ स्किप कर देते हो बिना पढ़े हुए। तो देखो क्वेश्चन जो बनेगा वो हमारा पाइथागोरस थ्योरम को बेस्ड है, मतलब इस पर बेस्ड है। तो देखो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है इसका थोड़ा सा मैं इंट्रो दे देता हूँ। एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा उस पर हम पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं, या पाइथागोरस थ्योरम राइट एंगल ट्रायंगल पर लगता है। तो देखो ये बी है, ये सी है, और ये है। ठीक है, ये राइट एंगल ट्रायंगल, तो ये हमारा जो राइट एंगल ट्रायंगल के सामने वाला साइड होता है वो हाइपोटेनस होता है, और ये दो साइड परपेंडिकुलर और बेस हो सकता है। ठीक है, ये हमारा चेंज हो सकता है थीटा के रिस्पेक्ट में। अगर हम सी एंगल पे देख रहे हैं तो ये परपेंडिकुलर है और ये हमारा बेस है, लेकिन अगर हम इसे मिटा दें इस एंगल पे देख रहे हैं, एंगल ए पे देख रहे हैं, तो ये परपेंडिकुलर और ये बेस हो जाएगा। ठीक है, ये चेंज होता है थीटा के रिस्पेक्ट में। अब आते हैं, एक रिजल्ट आता है इसी के पाइथागोरस थ्योरम से, एच स्क्वायर मतलब हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। यही रिजल्ट हमारा क्या होगा इस क्वेश्चन में लगेगा। ठीक है, तो देखिए ये छोटा सा रिजल्ट आपको इस पूरे क्वेश्चन को बना देगा, तो इसे मिटा रहा हूं और देखता हूं कैसे रिजल्ट लगेगा। आइए हम क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि इन ए ट्रायंगल एबीसी, एक ट्रायंगल है, ठीक है, एबीसी, ए ए बी और ए सी, सी पे 90 डिग्री है। ठीक है, सी पे 90 डिग्री है, और पी एंड क्यू क्या है, दो पॉइंट है साइड ए सी, और ये पी है और ये क्यू है, दो साइड है इस पे ए सी और बी सी पे, सच दैट यहाँ गिवन दिया हुआ है ए पी बाई पी सी बराबर दिया हुआ है बी क्यू बाई क्यू सी बराबर 1:2। ये क्वेश्चन में गिवन है, रेशियो में दिया हुआ है उसका साइड का रेशियो, बी क्यू बाई क्यू सी दिया हुआ है 1:2। तो देखो अगर हम देख रहे हैं ये 1 है, ये 2 है, ये 1 है और ये 2 है। ठीक है, अब हमें क्या पूछ रहा है, ए क्यू स्क्वायर प्लस बी पी स्क्वायर प्लस बाई अपॉन ए बी स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे हम समझाने के लिए थोड़ा सा स्टेप बाई स्टेप लेंगे। हमें ए बी स्क्वायर चाहिए, मतलब ये लेंथ चाहिए, तो ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये हाइपोटेनस हो जाएगा इस कंडीशन में। तो देखो ए बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, अच्छा ये दो, ये पूरा दो, एक और दो कितना हो गया, ये 3 हो गया, इसे 3 कर देते हैं, एक और दो ये पूरा 3 हो गया। अब 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर मतलब 9 प्लस 9 मतलब 18, तो ए बी स्क्वायर कितना आ गया, 18 आ गया। अब देखो ए क्यू स्क्वायर पूछ रहा है, तो देखो ए क्यू स्क्वायर ये लेंथ है ना, अब हम देख रहे थे ए क्यू क्या है, ए क्यू सी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो अगर इस ट्रायंगल को देख रहे हैं, ट्रायंगल ए क्यू सी पे देख रहे हैं, तो ए क्यू क्या है हमारा हाइपोटेनस, ये हमारा इस कंडीशन का हाइपोटेनस है। तो अब क्या हो जाएगा, ए क्यू स्क्वायर बराबर ये लेंथ मतलब ए सी स्क्वायर प्लस सी क्यू स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 का स्क्वायर 4 मतलब हो गया 13। ठीक है, अब आते हैं दूसरा कंडीशन, हमें बी पी स्क्वायर चाहिए, ये बी पी स्क्वायर है ना, अगर हम देख रहे हैं ट्रायंगल बी सी पी में, बी सी पी में, तो ये बी पी जो है हमारा यहाँ पे बी पी जो है वो यहाँ पे हाइपोटेनस है। ठीक है, अब हाइपोटेनस है तो ये साइड प्लस ये साइड का स्क्वायर का बराबर होगा, तो यहाँ पे बी पी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2 × 3 का स्क्वायर 9, सी पी स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, ये हो गया हमारा 13। तो देखो हमारे पास ए बी स्क्वायर निकल गया, ए क्यू स्क्वायर निकल गया और बी पी स्क्वायर निकल गया, तीनों है, पुट कर देते हैं हम इसके इस पर और हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखो अगर हम पुट कर रहे हैं तो ए पी ए क्यू स्क्वायर 13 है, बी पी स्क्वायर 13 है, और ए बी स्क्वायर हम कितना निकालें, सॉरी 18 निकालें। अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो हमारा कितना आ रहा है, एक सेकेंड, ये हमारा अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो ये 26/18 आ रहा है, 18 कट करते हैं तो 13/9 2 से कट करेंगे, तो देखो 13/9 मतलब हमारा आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा। ठीक है, तो देखो छोटा सा कॉन्सेप्ट था, इतने बड़े क्वेश्चन को छोटे से एक पाइथागोरस थ्योरम का एक क्या बोलते रिजल्ट से बन गया। ठीक है, तो होपफुली आपको मेरा कॉन्सेप्ट अच्छा लग रहा होगा, और अच्छा लग रहा है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें इस तरह की वीडियो देखने के लिए कंटिन्यूअस। ठीक है, और अच्छा लग रहा है तो दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, और लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, मिलते हैं एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, एक नए क्वेश्चन के साथ। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।